बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के शनिवार को घोषित परिणाम में कला संकाय में लड़कियों ने टॉप किया है। वहीं सिवान के पीके आर्ट्स अकादमी के कई छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। अच्छे मार्क्स लाए बच्चों को एकेडमी के तरफ से मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। एकेडमी के डायरेक्टर ने कहा कि कड़ी मेहनत से बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाकर एकेडमी से जिले का नाम रोशन किया है। इस बार इंटर का मूल्यांकन मार्च के पहले सप्ताह में शुरू हुआ था। कॉपियों को जांचने में 10 दिन से अधिक का समय लगा था। इस बार परीक्षा खत्म होने के मात्र 44 दिनों के बाद ही रिजल्ट जारी किया गया है। यह भी एक रिकॉर्ड है। इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में वैसे मेरा अंक 390 है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कोचिंग की टॉपिक। और जो टीचर हैं कैसे इन्होंने आप लोगों को प्रिपरेशन कराया है? टीचर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराए हैं क्योंकि मैं टीचर को थैंक्स देना चाहूँगी क्योंकि हम लोग को जो क्वेश्चन जैसे कि क्लास में बचते थे वो हम लोग क्लास ओवर होने के बाद सर हम लोग को 2-3 घंटा तक समय देते थे। सर ऐसा कभी नहीं कहे कि आप लोग बहुत लेट हो गया जाओ चाहे कुछ भी या हटते नहीं थे। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग को सॉल्व कराए हैं। सो थैंक्स ऑल टू। 327 अंक लाया और इस कोचिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि समय समय पर हर चीज़ का प्रिपेयर और सब्जेक्ट प्रिपेयर कराया जाता है। कितने घंटे तैयारी करते थे एग्जाम के? एग्ज़ाम के समय हम वही 8 घंटा तैयारी करते थे। तमाम विद्यार्थी बहुत मेहनत की है। परिश्रम का फल हमेशा सबको मिलता है और इस रिजल्ट के माध्यम से इनके परिश्रम की मिल गई है। और मैंने केवल इसी के लिए नहीं पढ़ाया है कि इनका केवल रिजल्ट अच्छा है, फ्यूचर में ये लोग बेटर से बेटर करें इसलिए हमने अन्य संस्थान जो भी है उसमें गाइड के सहारे लोग पढ़ाता है। आंसर क्वेश्चन आंसर जो भी है सब लोग गाइड से पढ़ाता है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की प्रक्रिया नहीं है। हमारे यहाँ गाइड से नहीं पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ बुक से कहीं किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लेकर आइए, हमारे यहाँ एक जो पहला चैप्टर है या दूसरा चैप्टर है चैप्टर वाइज 70-80 क्वेश्चन मिलते हैं और प्रत्येक के लिए स्पेशल टीचर वहाँ पे जो बनाया गया है ऑफिस वहाँ पे बैठते हैं और सभी को टोटल क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। कितने बच्चे यहाँ से अच्छे मार्क्स लाए? हमारे यहाँ 35 स्टूडेंट थे जिसमें 26 फर्स्ट डिवीज़न से हैं और 9 लगभग सेकेंड डिवीज़न से हैं। बाकी एक जो स्टूडेंट है वो मात्र थर्ड डिवीज़न से आई है। जो बच्चे अभी चुप हो गए हैं थोड़ा सा उनका मार्गदर्शन है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे मैनेज करें? मैं कहना चाहूँगा उनके लिए कि देखिए अंक से केवल लोगों को सफलता उसकी हम लोग नहीं आँक सकते हैं क्योंकि सफलता अंक रूप रंग से नहीं है। सफलता आज भले ना मिले लेकिन कल उसे मिलेगा, लेकिन उसे सत्कर्म करने होंगे। जो भी कर्म है उसको विश्वास के साथ उसे करना होगा। आज नहीं मिल रहा है कल जरूर मिलेगा क्योंकि परिश्रमिक सबको मिलती है। मैं पीके आर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर प्रमोद कुमार और यहाँ के अन्य जो टीचर्स हैं कुंदन सर, रंजीत सर, संदीप सर, ये तमाम शिक्षकों ने और उनके सहयोग से हमारे विद्यार्थियों ने आज अच्छे अंक प्राप्त किए हैं।